राशन कार्ड यहीं बनता है? हाँ यहीं बनता है, लेकिन अभी नहीं बनेगा, लंच के बाद आना। मुझे राशन कार्ड नहीं बनवाना है। अरे तो फिर क्यों आया है, करवाना क्या है तुझको? मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अरे यार जब बैंक में अकाउंट खुलवाना था तो बैंक जाना, यहाँ क्यों आया है? एड्रेस चेंज करवाने। अबे उल्टा ही पैदा हुआ था क्या, जो बातें भी उल्टी कर रहा है? सीधे सीधे बताना क्या काम है, बताता क्यों नहीं है? बोल तो रहा हूँ एड्रेस चेंज करवाना है। अरे कौन सा एड्रेस चेंज करवाना है, कहाँ का एड्रेस चेंज करवाना है? घर का। अरे जब घर का एड्रेस चेंज करवाना है तो यहाँ का तेल लेने आया है क्या? घर में तेल तो तभी आएगा ना जब राशन कार्ड में एड्रेस चेंज होगा। राशन कार्ड में? हाँ राशन कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है। क्यों करवाना है एड्रेस चेंज? क्योंकि बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अब तुझे राशन कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है कि बैंक में अकाउंट खुलवाना है? मुझे एड्रेस भी चेंज कराना है और बैंक में अकाउंट भी खुलवाना है। अरे फिर से एड्रेस चेंज करवाना है क्यों? अरे क्योंकि बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अबे राशन कार्ड का क्या लेना देना है बैंक वालों से? क्योंकि बैंक में अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि राशन कार्ड मेरा एड्रेस प्रूफ है। तो क्योंकि बैंक वाले कह रहे हैं कि पहले राशन कार्ड में एड्रेस चेंज कराओ तब अकाउंट खुलेगा। अरे मेरे भाई बैंक वाले ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि राशन कार्ड में तो पुराना एड्रेस है। अबे बेवकूफ तेरा भी राशन कार्ड पुराना होगा ना। राशन कार्ड पुराना हुआ तो क्या हुआ, घर तो नया है। मतलब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, स्वीट होम स्वीट, इसलिए वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड में नए घर का एड्रेस डला के आओ तभी अकाउंट खोलेंगे। अबे बेवकूफ उल्लू के पट्टे, ये बात पहले नहीं बता पा रहा हूँ तू? ये बता तो रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। अब समझ में आया ना आपको? समझ ही नहीं रहे थे। करो चेंज। मैं तेरे ऊपर राशन कार्ड छाप दूंगा, एक ऐसा चाटा मारूंगा, समझा? ठीक कर उसको, चल जा एक महीने के बाद आना। एक महीने बाद? क्यों? क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठा, जब तूने बोल दिया राशन कार्ड में एड्रेस चेंज करना है और मैंने चेंज कर दिया। एक महीने में तो मेरे भाई को बच्चा हो जाएगा। एक महीने में कौन सा बच्चा पैदा होता है बे? तो क्या हुआ, मेरी भाभी 8 माह से प्रेग्नेंट है, अगले महीने बच्चा होगा तब मैं मामा बन जाऊंगा। मामा बन जाएगा तू? मामा नहीं चाचा बनेगा तू। उतनी देर से तो आप मुझे मामा बना रहे हो, 2 मिनट का काम है और आप कह रहे हो 1 महीने बाद आना। तो ये सरकारी काम है, ये 2 मिनट मैगी नहीं है जो बन जाएगी, समझा? फिर भी कितना टाइम लगेगा? मैं तेरे को बोल दिया 1 महीना लगेगा, 1 महीना मतलब 1 महीना ही लगेगा। अबे भाई तू जाना यहाँ से। थोड़ा कम नहीं हो सकता? कम तो नहीं हो सकता बेटा, अगर तू 2 मिनट और बैठा रहा बढ़ जरूर जाएगा, समझा मेरे बाप? अब तू निकल यहाँ से। आप तो गुस्सा कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे बापू के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कुछ ले दे के कर लेते हैं। अब आया ना तो स्लीप पॉइंट पे, हो सकता है ले दे के, हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं देता हूं और तू ले ले। क्या? चाटा, निकल यहां से। सर देख लो वरना आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तू यहां 2 मिनट और बैठा रहा ना मैं तेरा कितना नुकसान करूंगा तुझे आइडिया नहीं है, निकल यहां से। सर आप तो डंडा निकाल लेते हो, लेकिन 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 सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उससे हम आप दोनों का फायदा होगा। मेरे सब्र का बांध मत तोड़, मैं तुझे। सर नीचे सिलोगे की मुखर से? तुझे नहीं पता ऊपर की कमाई नीचे से ली जाती है। इंटेलिजेंट तो अच्छा सुन, जब तू नीचे जाएगा ना तो अपनी आंख बंद कर लियो, नहीं तो मुझे शर्म आएगी। यू आर ओनली स्ट्रक्चर सर, आई सैल्यूट सर। थैंक यू। आई एम ओनली डाउन। ओह शिट सर, क्या हुआ? आई फॉरगॉट टू क्लोज आईज। डोंट फॉरगेट योर क्लोज आईज। आप दिख नहीं रहे हो सर। कहाँ हूँ सर? अरे दिखूंगा नहीं देरी, आंखें बंद है ना, महसूस कर। ओके सर, प्लीज होल्ड माय मनी सर, महसूस नहीं हो रहा सर। बस पास आ गया, बस आंखें बंद रखियो बेटा, बस रुक जा बेटा, अभी होगा महसूस, रुक। अरे बापू की फोटो दिखा रहा था, ले बापू की लाठी,